नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हां, एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जॉयश ईरानी को लेकर जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ था, ये विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ सकता है। जी हाँ, आपको बता दें, बीते कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं ने जॉयश ईरानी को लेकर बताया था कि जॉयश ईरानी गोवा में एक अवैध लाइसेंस के दम पर एक रेस्टोरेंट एवं बार चलाती हैं, जिसके चलते सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई थी। उनका कहना ये रहा कि जॉयश ईरानी एक ऐसे व्यक्ति के लाइसेंस से रेस्टोरेंट चला रही है जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने इस विवाद पर फैसला भी सुना दिया था। ऐसे में देखा जाए तो अब कांग्रेस और भी यहां पर कदम उठाती हुई देखी जा रही है। दरअसल आपको बता दें, जॉयश ईरानी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया था, लेकिन स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग भी की थी। उनका कहना ये रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी को अब स्मृति ईरानी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए और एक बार फिर से यहां पर उन्होंने मांग की है और अब तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखकर भेज दिया है। जी हां, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए जो हाल ही में जो अपडेट सामने आया है स्मृति ईरानी को लेकर। स्मृति ईरानी की बेटी जॉयश ईरानी को लेकर जो मामला सामने आया, वो मामला फिलहाल तो थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को जो चिट्ठी लिखी गई है, वो स्मृति ईरानी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें, स्मृति ईरानी की बेटी पर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा ने आरोप लगाया था, और अब इसको लेकर यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट और भी एक्शन ले सकती है। दरअसल आपको बता दें, 1 अगस्त को कोर्ट ने जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को 24 घंटे के अंदर ट्वीट तुरंत हटाने का निर्देश दिया था। ऐसे में देखा गया कि स्मृति ईरानी दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंची और उन्होंने मानहानि याचिका दायर की थी, और अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट तो यहां पर अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर अब गोवा कांग्रेस विधायक संकल्प अमोनकर ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के तत्काल बर्खास्त करने की उन्होंने मांग की है। जी हां, आपको बता दें, हाल ही में उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि गोवा में विभिन्न विभाग वर्तमान में आरटीआई कार्यकर्ता एड आयरस रॉड्रिक्स द्वारा दायर शिकायत पर पूछताछ कर रहे हैं। उनका कहना ये रहा है कि स्मृति ईरानी ने एक बार फिर पूरे देश से गोवा में अपने परिवार द्वारा संचालित व्यवसाय पर अपनी कुख्यात स्नातक डिग्री झूठ के मुद्दे के बाद झूठ बोला है। उनका कहना रहा है कि सभी सबूत साल 2019 के चुनावों के दौरान ईसीआई के समक्ष दायर किए जाएंगे, और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि उनके नवीनतम हलफनामे के द्वारा समर्थित हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, महाराष्ट्र के दस्तावेज और जीएसटी विवरण प्रथम दृष्टया साबित करते हैं, और ऐसे में जो रेस्टोरेंट है सिली सॉल कैफे एंड बार जो गोवा में है, जो परिवार के द्वारा चलाया जाता है, उसको लेकर उनका कहना रहा कि इस मामले में जिन अभेद्यताओं की ओर इशारा किया गया है, ऐसे में जो लाइसेंस जारी किया गया है, रेस्टोरेंट का अवैध निर्माण शामिल है जो विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करता है। वह कहते हैं कि ये भी एक संदेह है और ये पूरा कारोबार बेनामी शैली पर चलाया गया है, और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि संपत्ति पर बेनामी के रूप में कब्जा हो। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्री विश्वजीत राणे का हवाला देते हुए कहा है कि हाल के बयान में स्मृति ईरानी को लेकर उन्होंने कहा कि वो उनकी बॉस हैं। ऐसे में उनका कहना है कि गोवा के कैबिनेट मंत्री विश्वजीत राणे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्रालय भी रखते हैं, जो वर्तमान में टीसीपी विभाग में स्मृति ईरानी के कथित मामले की जांच कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का मार्ग किया जाए। रिपीट, हमारी मांग ये है कि स्वतंत्रता पूर्वक अब
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को तुरंत ही मंत्री परिषद से हटा दिया जाए। अगर स्मृति ईरानी इस मामले में निर्दोष साबित होती हैं, तो उचित जांच के बाद, मामला बंद होने के बाद, पीएम नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से उन्हें मंत्री परिषद में फिर से शामिल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि पीएम स्मृति ईरानी को तत्काल प्रभाव से मंत्री परिषद से हटाकर जल्द ही कोई फैसला लेंगे और कार्रवाई भी करवाएंगे। इस तरीके से देखा जाए तो स्मृति ईरानी को बर्खास्त करने के लिए पत्र लिख दिया गया है और यहां पर मांग अब भी जारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को लगता है कि स्मृति ईरानी के परिवार की तरफ से गोवा में रेस्टोरेंट एवं बार चलाया जा रहा है, जिसकी जाँच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें इस पद से बर्खास्त कर दिया जाए, इस्तीफा ले लिया जाए। लेकिन अगर यहां पर वह निर्दोष साबित हो जाती हैं, तो एक बार फिर से उन्हें मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी आखिरकार इस पर क्या कुछ फैसला सुनाते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।